नमस्ते, मैं हूं नीतीश। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हरियाणा में लगातार घूम रहा हूं और चुनावी माहौल टटोला जा रहा है। यह सिलसिला जारी है और अब तो चुनाव प्रचार का ये आखिरी दौर चल रहा है। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। नेताओं के और पार्टियों के दावे अपनी जगह है, मगर हरियाणा के लोगों को क्या लगता है, इन्हें क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? क्या 10 साल बाद कांग्रेस वापसी करने जा रही है या भाजपा हैट्रिक लगाएगी? यही सब बातें हैं, ये इसी तरह के सवाल हैं जो हम इन लोगों से पूछेंगे और इनकी राय जानेंगे। यह भी जाना और समझा जाएगा कि इनकी समस्याएं क्या हैं, ये अगली सरकार से क्या चाहते हैं और जो सरकार रही उससे खुश हैं या नाराज। हमारे साथ कई लोग बैठे हैं तो इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ सर? भाई दे दे भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही बताएं क्या नाम हुआ। संदीप जी। संदीप जी बोलिए। पूरा इंट्रो मेरा आपने सुना। पहली बात यही बताइए, क्योंकि अब चुनाव को कुछ ही दिन रह गए हैं, आज 2 तारीख है, 5 को मतदान ही होना है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अब देखो, हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। अच्छा, अगर गुड़गांव सीट की बात करूँ मैं, अभी गुड़गांव में बैठे हैं, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले सीट लगभग भाजपा की तय थी, यानी मुकेश शर्मा जी खड़े हैं भाजपा से, लेकिन नवीन गोयल जी ने निर्दलीय होके वो त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया। अभी कोई पक्का कुछ नहीं कह सकते कि भाई किसकी सीट आएगी। गुड़गांव की सीट की बात करूँ, ठीक है, गुरुग्राम की बात जो हो रही थी, आप सहमत हैं कि यहाँ नवीन गोयल निर्दलीय होकर भी कड़ी टक्कर देंगे, उससे भाजपा को दिक्कत हो सकती है? टक्कर तो है ही, तीनों का मुकाबला है। कांग्रेस का कैंडिडेट भी ठीक है, नवीन गोयल भी ठीक, मुकेश का भी है। अच्छा, तो अब पता नहीं, 2-3 दिन में कुछ बदलाव तो दिख रहा है, थोड़ा प्रभाव हमें तो मुकेश का ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, हाँ, भाजपा के मुकेश। हाँ। और हरियाणा को लेकर जब बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस अब वापसी करने जा रही है। हाँ, सुनने में सही आ रहा है, बाकी हम तो गुड़गांव बाहर ज़्यादा तो इतना आना जाना है नहीं अपना। अच्छा, तो सुनने में तो आ रहा है। देखो अब क्या क्या बातें हो रही हैं कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है, बस जैसे भाई ने कहा कि कांग्रेस आ रही है। कुछ वजह बताएं क्यों ऐसा? अब इनके 2-3 मुद्दे हैं जैसे कांग्रेस ने उठा रखे हैं। भाई, एक तो किसानों का आंदोलन हुआ था, एक जो खिलाड़ियों ने जो किया था, एक वो अग्निवीर का कर रखा है। ये 2-3 मुद्दे हैं ये जो उठा रखे हैं कांग्रेस वालों ने, और लोग उससे थोड़े प्रभावित हैं, इसलिए लग रहा है भाई कांग्रेस हो सकता आ जाए। किसानों का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, और खिलाड़ियों के साथ भेदभाव की बातें जो कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही हैं। भाजपा के नेता हैं लगातार, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सब लोग आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप इस तरह के भ्रम में मत पड़िए, ऐसा कुछ नहीं है, सबका समर्थन दिया जा रहा है, इसका असर होगा? देखो, थोड़ा बहुत असर तो हर एक पार्टी के जो चुनाव बड़े नेता रैली करते हैं होता ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा है नहीं। मेरा मानना है, मतलब जहाँ तक हमने जो सर्वे करते हैं, हम फ़ोन पे बात करते हैं, हमारे हरियाणा में इधर उधर रिश्तेदारियों में बात करते हैं, तो 55 से 60 सीटें कांग्रेस की आएंगी। 55 से 60? बिल्कुल। 46 चाहिए बहुमत के लिए, तो उससे 55 से 60? बिल्कुल बिल्कुल। आप सहमत हैं उनकी बात से? क्या नाम हुआ था जी आपका? ईश्वर से। आप इनकी बात से सहमत है कि कांग्रेस नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि 55 से 60? नहीं नहीं नहीं, मुकाबले का टक्कर होगा। अब की बार हरियाणा में गठजोड़ की सरकार बनेगी। अच्छा, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, या तो निर्दलीय ही डिपेंड करेंगे इसको सरकार बनाने के लिए। ये पिछली सरकार जो थी वो भी गठबंधन वाली रही, जेजेपी को जो 10 सीटें मिली थी वो उप मुख्यमंत्री भी बने, तो इस बार ये तीसरी पार्टी कौन सी होगी, जेजेपी या इनेलो? निर्दलीय 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 उम्मीदवारों में ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल निर्दलीय निर्दलीय जो समीकरण बनाएंगे पार्टी, किसको ऊपर जो बैठाया जाए। अच्छा, हरियाणा की ये राजनीति है, पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को। गुरुग्राम में नवीन गोयल भी निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे हैं? नहीं, तीसरी स्थान पर है वो। वो है? हाँ, यहाँ से नहीं जीत सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से कांग्रेस या यहाँ से भाजपा? अच्छा, ठीक है। और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? देवेंद्र नाम सर जी। देवेंद्र जी बताएं, यहाँ मुकाबला टक्कर का है सर? टक्कर का है, कुछ भी नहीं कह सकते। तीनों कैंडिडेट टक्कर में, किसी का भी तरफ इलेक्शन जा सकता है, कोई वो नहीं। त्रिकोण अब 5 तारीख को वोट डालना है, डिसाइड कर लिया आपने कहाँ जाना है? हाँ,
कुछ बताएं कुछ इशारा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये तो लोकतंत्र है, अपनी मर्जी है, कोई कहीं डालो कहीं जाए। फिर भी बदलाव चाहते हैं या सब ठीक चल रहा है मौजूदा? बदलाव तो होगा सर, बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। क्या सोचकर बदलाव कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? स्थानीय समस्याएं हमारे जैसे रोड को के हैं, सीवर के हैं, पानी की समस्या है। गुड़गांव में तो किसी भी सड़क पे जा लो सारी टूटी हुई है। अच्छा। पानी, सीवर, जाम, जाम की समस्या, कहीं भी जा लो। क्या लग रहा है कांग्रेस आ जाएगी इस बार? देखो। अच्छा ठीक है, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी? राजकुमार जी। राजकुमार जी जी बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरियाणा के। अच्छा। गुड़गांव के। गुड़गांव विधानसभा सीट। हाँ जी। कैसा रहा ये 10 साल भाजपा का कार्यकाल? देखो अगर ऑलमोस्ट इंडिया की बात करें तो बहुत बढ़िया है बीजेपी का राज। अच्छा। और खाली गुड़गांव की बात करें तो 0/0 है, गुड़गांव में कोई ध्यान नहीं है। और अब जो चुनाव चल रहे हैं इसमें तो देखो पूरे हरियाणा में ऐसा माहौल है, हर सीट पे इस तरह से है कि भाई कहीं से कांग्रेस जीत सकती है, कहीं से बीजेपी। लेकिन हमारी सीट तो ऐसा है कि जो भी इतना माहौल कड़क है कि किसी का नाम लेना बहुत मुश्किल बात है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जब सेंटर में जो सरकार होती है तो उसी की सरकार बनती है। आपने कहा कि 10 साल जो रहा है वो पूरा देश के लिहाज से सही रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा। हरियाणा चुनाव में उनका कितना असर रहेगा? हरियाणा चुनाव में असर तो देखो कोई ज़्यादा असर नहीं है उनका, और सरकार बनाने में दोनों को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। अच्छा। लेकिन जीत तो 90% बीजेपी जीतेगी हरियाणा। अच्छा। क्या कह रहे हैं सर आप, कौन दलित विरोधी चेहरा है? दलित विरोधी कांग्रेस जी। अच्छा। इसके तो लग रहा आपको? ये बोला गया है ऊपर, इनके जो राष्ट्रीय वो राहुल बाबा है बोल रहे हैं, वो तो सरेआम बोल रहे हैं, दूसरे देशों में जाके बोल रहा है उसने तो। अब हिंदुस्तान में इसकी जरूरत नहीं है आरक्षण की। अच्छा। वो मुद्दा तो बहुत ज़्यादा पकड़ा है इलेक्शन में। एक मुद्दा और बीच में इन्होंने कांग्रेसियों ने कर दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, 3 जगह नारे लगे। अच्छा। ओपनली लगे हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी को पता लग गया। था समीकरण कांग्रेस का पहले पूर्ण बहुमत का, लेकिन ये दो मुद्दे बीच में ऐसे आके टकरे, कुछ भाई इनके कैंपेन सैलजा के लिए एक कांग्रेस कार्यकर्ता का जो देखो कांग्रेस के यहाँ हुड्डा और दीपेंद्र बाप बेटे को नेता मानते हैं, आजकल वो साइलेंट चल रहे हैं, कहीं पिक्चर में नहीं आ रहे। अच्छा। अब ये माहौल तो जनता बताएगी भी किसकी तरफ जाएगा, कहीं मीडिया में, अखबार में, कहीं नहीं है। अच्छा। क्या लग रहा है सर आप इनकी बात से सहमत हैं, जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडिया पे, कांग्रेस को ये दिखाने का प्रयास है कि वो दलित विरोधी हैं, या अमेरिका में जब राहुल गांधी ने बयान दिया तो उसको आरक्षण से जोड़ के ऐसे पेश किया गया कि वो खिलाफ? ये देखो चुनावी मुद्दे चलते रहते हैं, मैं ज़्यादा आपको न बताते हुए सीधा ही बता देता हूँ, पिछली बार बीजेपी की पूरी हवा थी हरियाणा में, तब 40 सीटें आई थी, तीसरी पार्टी जेजेपी ने मिलकर 10 सीटें ली थी। अब की बार ना जेजेपी ना एनएलओ, सिर्फ दो ही पार्टियां लड़ रही हैं, पिछली बार 40 सीटें आई थी, अब की बार इनकी 20 ही नहीं आएंगी बीजेपी की, सच्चाई तो यही है, 20 से 22 के सीट से ऊपर नहीं आएंगी बीजेपी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, जवाब दीजिए, वो तो आपकी बात से सहमत। देखो जी पिछली बार ही 40 नहीं आई, बाकी जो 20-25 सीटें आएगी भाजपा की, बाकी जो खड़े हुए हैं वो कांग्रेस के भी हैं बीजेपी के भी, कुछ बोलता है कुछ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा जाएंगे बागी। अच्छा। बीजेपी के तो जो वोट हैं वो बंधी हुई वोटें हैं, वो बागी के साथ नहीं जाएंगे वोट। अब गुड़गांव का ही अपन नज़र लगा लो, यहाँ नवीन गोयल खड़ा हुआ है, वो बीजेपी कैंडिडेट था, इन दोनों कैंडिडेटों की आपस की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई नहीं है ये। टिकट नहीं मिला तो वो पता है, हाँ आम लोगों को पता है कि पार्टी के जो वोट हैं वो पार्टी को जाएंगे, और जो उनकी निजी आपसी लड़ाई थी, इनकी है कोई आपसी तो हमें नहीं पता क्या है, वरना नवीन गोल नहीं होता तो यहाँ तो बीजेपी का शोर। आपका क्या नाम हुआ था? राय सिंह।
बताएं आप भी कुछ, आपकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर? कांग्रेस की जीत है जी। कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस आ रही है। ये जो 10 साल रहा भाजपा का, उससे नाराज हैं आप? हाँ उससे नाराज हैं। क्यों नाराज है? इसमें एक तो ये अग्निवीर अड़ा है, हाँ नौकरी नहीं, बेरोजगारी है, कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ, सब पेपर लीक हुआ इसका राज में। आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। किसानों का मुद्दा तो खूब इस बार उठाया जा रहा है। किसानों का भी उठाया, इसने कोई सुनाई नहीं करी किसानों की सरकार। MSP मिल रहा है आपकी बड़ी खेती है, किस तरह की? MSP क्या मिल रहा है? बिना पैसे मिल रहे हैं, कोई टाइम पर पेमेंट नहीं कहीं, कोई ये कह रहा है भाई आल्ला है, शिल्ला है, गिल्ला है, फलाना है, कोई सिस्टम से काम नहीं है, परेशान कर रखा भाजपा ने। एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि तमाम बातें हुई, इस पर क्या लग रहा है JJP का, आम आदमी पार्टी का, इन लोगों का कैसा असर रहेगा हरियाणा में? देखो हमें तो इतना पता है जी, कांग्रेस की सरकार बननी है। हाँ। और कांग्रेस का पूर्ण बहुमत से आएगा। अच्छा। हम पिछली बार के रुझान को देखते हुए देख रहे हैं, पिछली बार पार्टी फुल हवा में थी जी भाजपा, लेकिन इस बार नहीं होगी, हमारा तो यही है। क्या वजह है, क्यों? देखो जी ये देखो, हम जितने लोगों से सुन रहे हैं हरियाणा में, जितने जहाँ जाते हैं, हमें हम खबर लिखते हैं कि कांग्रेस ही आएगी। पूर्ण बहुमत? सीटें कितनी देंगे? तो सीटें तो देखो जी पूर्ण बहुमत से आएगी, सीटों का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पूर्ण बहुमत लग रहा है पूरा पूरा। राहुल गांधी भी जो है कि विजय संकल्प यात्रा लेकर निकले हैं, असर होगा उसका भी? होना चाहिए सर। देखो जी हरियाणा में तो राहुल की कह नहीं सकते, लेकिन हरियाणा में है ना हुड्डा सरकार बनेगी। आप बहुत नाराज लग रहे हैं अंकल जी, क्या करें? राहुल बाबा का कोई असर नहीं है, ना प्रियंका का ना राहुल का। अरे वो लोग रैलियां कर रहे हैं, जुलाना पहुंचे हैं, हाँ विजय संकल्प यात्रा। हमारे लोकल नेता हैं हुड्डा परिवार जी, 10 साल में बीजेपी जो जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, वो जुड़े हुए हैं पहले से जुड़े हुए। जी क्या कर रहे हैं? 10 साल बीजेपी की सरकार रही है हरियाणा में। हम गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, जिसमें 70% रेवेन्यू गुड़गांव से जाता है पूरे हरियाणा में। इंडस्ट्री की बात करें, टैक्स की बात करें, दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पे जीरो है। गुड़गांव में एक सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था, उसको तोड़ के पार्किंग बना दी गई है, आम सुविधाएं कहीं नहीं है। मेट्रो का एक मतलब इतना भी आगे नहीं बढ़ी, जब कांग्रेस सरकार में बनी थी वही बनी, रैपिड मेट्रो लगा लो या दिल्ली मेट्रो लगा लो, उसके बाद कोई काम नहीं। ना रोड देख लो, सीवर लो, थोड़ी सी बारिश हो जाती है पानी भर जाता पूरे गुड़गांव में, कोई सुविधाएं नहीं है। आप सार्वजनिक परिवहन की बात कर लो, मेडिकल की बात कर लो, एक हॉस्पिटल है उसमें आपका इलाज नहीं हो पाएगा, वो छोटा सा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी आबादी है गुड़गांव की, कुछ नहीं होता, सिर्फ अधिकारी अपना माल खा रहे, एक रोड को चार चार बार बना रहे हैं, सब बैठ के खा रहे हैं। ईमानदार सरकार का बताओ जी, काम नहीं हो रहा भाजपा सरकार? पूछो किसी से भी, पूछो अगर काम हुआ तो बताओ क्या काम हुआ है। भारी पड़ रहे हो आप पे, कुछ जवाब दीजिए, कोई एक काम बता दीजिए पिछले 10 साल में भाई बीजेपी ने गुड़गांव में ये काम किया है। हुआ नहीं करें, एक काम बता दीजिए। गुड़गांव में जो आम जनता की वादा किया गया है पलवल तक, फरीदाबाद लाइन वो चल रही है, वो है, वो देखो सेंटर जो कर रही है वो सारे काम हो रहे हैं। स्टेट लेवल पे जो था यहाँ का जो हमारा MLA था, जब बीजेपी सरकार को कहेंगे MLA बीजेपी का था तो सरकार को ही दोष दिया जाएगा, गुड़गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने, जो कि सबसे ज़्यादा ये बात हम जनरेट करता है गुड़गांव। और CM पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो हर हफ्ते गुड़गांव आते थे, यहाँ के रोडों से वाकिफ थे, यहाँ के शिविर से। अभी पीछे रिसेंटली लास्ट मंथ में हमारे MP साहब हैं राव इंद्रजीत जी, उनका बयान आया था कि अगर गुड़गांव से कूड़ा नहीं उठा, कूड़े की बड़ी समस्या है गुड़गांव में, तो बोले मैं धरने पर बैठा हूँ। अगर आपको 25 साल से हमने MP बना रखा है तो आप धरने बैठोगे, जनता कहाँ बैठेगी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। 25 साल से वो लगातार MP हैं, यहाँ अधिकारी नहीं सुनते, राजनेताओं की क्या करेंगे? जिनके अधिकारी ना सुनते हो ऐसी सरकार को हम क्यों चुनेंगे? जिनके अधिकारी मानते नहीं ऐसी सरकार को चुनने से क्या फायदा? 10 साल मौका दे दिया, अब वो कह रहे हमें 5 साल और दो, अब 10 साल में उनकी नहीं सुनी तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये मैं हरियाणा में था, गुरुग्राम में था, और इन लोगों से हरियाणा विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। लोगों ने बताया कि उनकी समस्याएं क्या हैं और क्या उन्हें लग रहा है कि जब 5 तारीख को मतदान होगा तो कौन भारी पड़ेगा। हरियाणा चुनाव को लेकर लाइव हिंदुस्तान की कवरेज जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।